15 अक्टूबर को टीवी शो बिग बॉस का आगाज हुआ। बिग बॉस का 17वां सीजन शुरू हो गया है और एक बार फिर छोटे पर्दे पर खूब धूम धमाका देखने को मिल रहा। सलमान के स्वैग के साथ शुरू हुआ बिग बॉस 17 इस बार काफी अलग है। शो को लेकर अभी तक कई बातें आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि कुछ बड़े कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ कि आखिर कितना नेटवर्थ वो कमाते हैं और साथ ही सलमान खान की फीस के बारे में भी हम जानेंगे। वही आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान को बिग बॉस 17 के लिए हर हफ्ते 12 करोड़ रुपए फीस मिल रही है। सलमान बिग बॉस के वीकेंड एपिसोड को शूट करते हैं, यानी एक हफ्ते में 2 एपिसोड और ऐसे में एक एपिसोड के 6 करोड़ रुपए सलमान को मिल रहे हैं जो करीब 4 महीने चलता है, और ऐसे में सलमान खान को बिग बॉस से करीब 200 करोड़ रुपए की कमाई हो जाएगी। जी हाँ, सलमान ने बिग बॉस को 4th सीजन से होस्ट करना शुरू किया था। वही अगर हम बात कर ले बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट्स के नेटवर्थ की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता लोखांडे की नेटवर्थ करीब 25 करोड़ रुपए आकी जा रही है, तो वही मुनावर फारूकी की नेटवर्थ करीब 2 करोड़ रुपए आकी जा रही है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट के मुताबिक विकी जैन की नेटवर्थ करीब 100 करोड़ रुपए है। इसके अलावा सनी आर्या हर साल करीब 60 लाख रुपए कमाती हैं। तो वही अनुराग डोभाल भी नेटवर्थ 1.5 करोड़ रुपए आकी जा रही है। शो के लास्ट मिनट एंट्री सना रईस खान पेशे से वकील हैं और उनकी नेटवर्थ करीब 10-15 करोड़ रुपए है। वही नावेद सोले शो के इंटरनेशनल कंटेस्टेंट हैं जिनकी नेटवर्थ 40 करोड़ रुपए आकी जा रही है। वही आपको ये भी बता दें कि बिग बॉस के 17वें सीजन के सबसे अधिक फीस वाले कंटेस्टेंट अंकिता लोखांडे और मुनव्वर फारूकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता लोखांडे को हर एपिसोड के लिए 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, जबकि मुनव्वर फारूकी को हर हफ्ते के लिए 7-8 लाख रुपए फीस मिल रही है, जो ऐश्वर्या शर्मा और ईशा मालविया के करीब है। हालांकि ये सब रिपोर्ट्स के आधार पर हैं और इनके आधिकारिक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है।